अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की तफरी कुछ ऐसी है कि भाई आज हम लोग झूठियों को चीनी खिलाएंगे, क्योंकि सवाब का काम भी और काफ़ी दिनों से हमारा दिल भी चाह रहा था। पर यह कि अभी झूठियों का घर देखना पड़ेगा, कहाँ है कहाँ नहीं है, जंगल की साइड जाना पड़ेगा। देखते हैं, मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उनको डालेंगे। अल्लाह पाक हर मखलूक को देता है किसी न किसी बहाने से, जरिए से। तो अभी दुकान को देखते हैं, दुकान कहाँ पे चीनी देते हैं, बात करते हैं। भाई सामने एक दुकान नज़र आ रही है, वहाँ से पूछते हैं चीनी है या नहीं, मिल जाए तो अच्छा है यार। तो यार हो ही रहा है कुछ नहीं, चीनी देखते हैं भाई। मिट्टी है और ये भाई चाह का व्यू है, तो चीनी तो ऐसे भी ले रहा था, मैंने बोला छालिया भी मेरे लिए ले आए, दवा है दवा। तो भाई वजीर चीनी ले आए और मेरी दवा कहाँ है, मोती दाना छालिया, मेरी फेवरेट छालिया है भाई ये। अभी तो अली फिलहाल जा रहे हैं आगे, और इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है पहला 1K सब्सक्राइबर का है। तो यार आप लोगों से इतिजा है कि बहुत जल्द आप, हमें यकीन है कि आप करवा भी देंगे और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे, हमें अल्लाह वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो यार चलते हैं आगे, फिर अभी बातचीत करेंगे। तो यार काफ़ी आगे आ गए, लेकिन चूंटियों के घर हमें नहीं मिल रहे, नज़र आ रहे हैं कुछ यहीं पर, कुछ गिरा दो। फिर तो यार ये खड्डे तो बने हुए झूठे, कुछ उस कोने में फेंको। तो भाई ये स्कूल मेरे ख्याल से 2 साल पहले से बन रहा था, दो साल हुए ना इसको, अच्छा खासा टाइम हो गया है। हाँ कितने तकरीबन कितने साल लगे होंगे, 5-8 साल तो कम से कम लग गए इसको, 2015-16 से काम शुरू हुआ है। और ये वाला स्कूल है जो हम यहाँ पे बचपन में पढ़ते थे भाई, मैं भी स्कूल में पढ़ता था किसी जमाने में बचपन में। किधर? और ये वाला, ये जगह है जो बकरियों का वाड़ा है, पता नहीं यार गेट वगैरह लगा दिए हैं, तब्दीली आ गई है क्या। ओह यार बंद कर दिया क्या, कहीं और से रास्ता नहीं है भाई, कहीं और से। चढ़ जाओ लगे कांटे। तो यार ये रास्ता तो अभी फिलहाल बंद किया जा रहा है, वापसी में हमें तो वहाँ से गुजर के आना पड़ेगा वजीर भाई, कब्रिस्तान वाले रास्ते से। ये नदी है, नदी यार खुले मैदान में आ चुके हैं, पर हमें और चूंटियों के घर मिल ही नहीं रहे हैं भाई, तलाश में हम आए। अभी एक यार मिला तो है, मकोड़ों का घर भाई, ये लो भाई अब यहाँ तो बहुत सारे हैं यार, कुछ यहाँ पे करा दो कुछ वहाँ पे करा दो।
और यहाँ पे भी गिरा, इधर ले, इधर ले आओ, इधर बस बहुत है, रास्ता ना बंद करना अंदर से आने का इनका। अभी आगे देखते हैं, आगे भी चूंटियों के घर होंगे और वहाँ पे भी हम लोग डालना है। अभी चीनी काफ़ी सारी पड़ी है, अभी भी अच्छी खासी तो पड़ी है, आधी थैली अभी भी पड़ी है। चूंटियों के घर बहुत कम है यार, जंगल में अलग है, हम लोग घर बहुत कम है, जहाँ नजर आ रहे वहाँ डाल रहे हैं हम लोग। जहाँ नरम मिट्टी होती है ना, नरम मिट्टी, तो वहाँ पे घर होता है। ये तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा तो रास्ता देख लो आप, कुछ पक्का रास्ता है, पक्का रास्ता वजह से ना हो। इधर अंदर की तरफ थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे क्या पता मिल जाए। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी जगहों में होंगे शायद, झाड़ियों के नीचे। मौसा थोड़ा छिड़क दे यहाँ पे, हाँ थोड़ा छिड़क दे, यहाँ पे भी खा लेंगे। अभी चलते हैं इनका घर देखते हैं। जंगल नहीं है, जंगल खत्म हो रहा है मौसा, जंगल दिन ब दिन खत्म कर रहे हैं यार। हरियाली होनी चाहिए यार, ऐसे जैसे हम लोग पहले जाते थे नाले के साइड बेर तोड़ने के लिए, अब तो वहाँ भी मेरे ख्याल से प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है जंगलों को। क्या करें यार, ए कर रहे जगह पे फेंक के रखेंगे जहाँ घर वर हो, ऐसे जाया ना हो जाए ना, इसलिए। इस जंगल में कोई जमाना था बड़ी बड़ी वो चिपकलियाँ होती है ना, गो वगैरह हो गई, वो हमने पहले भी देखी थी एक मैंने। अच्छा हम लोग ऐसे रोड लगा रहे थे तो तकरीबन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी होगी। कितनी देख रहे हो, तो जा रही थी हमने पत्थर वगैरह मारने की कोशिश की, लेकिन भाग गई। जा रही है, नहीं वो नुकसान नहीं देती मूसा, नहीं नुकसान नहीं, लोग अचानक सामने आए, डर गए, पहले तो पता भी नहीं था, अभी जैसे इन चीज़ों का पता चल रहा है। चलो चलो झाड़ी वाड़ियों में देखते हैं इनका घर इसी जगह पे होगा। ओहो मेन घर मिल गया ना इनका, ज्यादा नहीं गिरा, थोड़ी बचा लेना, थोड़ी आगे भी वहां होंगे। ये देखो भाई, अभी ये भाई साहबों को अंदर से ये पता चल रहा है, एक एक करके निकल रहे हैं। ये एक और भी आ गया, ये देखो भाई ये बंदा लग गया अपने काम काज में, जा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के ले आ। ए और वैसे ये काम यार आप लोग भी किया करें, नेकी नेकी भाई आखिरत में छुड़ाएगी। और ये हम शो ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, हम गरीब लोग हैं, इतनी हमारी देखो जितनी हैसियत है, जितना हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग को हम लोग दिखा रहे हैं या इस तरह से, नहीं, ये हम लोग चाहते हैं हर बंदा करे। आप लोग भले हमारी वीडियो को लाइक नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सबसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये काम आप लोग भी क्या करें। इस तरह के जो भी काम है, जो बेज़बान जानवर होते हैं ना, उनकी मदद करना सवाब है, क्या करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि ये क्या है, इस तरह की तुम लोग क्या वीडियो बना रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन हमें तो खैर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग चाहते हैं कि
जो बेजबान है ना उनकी हम लोग मदद करेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। कैसे मूसा? बाकी हर बंदे की अपनी सोच है भाई, जो जिसको जो सोचना है वो सोचे। है घर वाले ये इनका घर ही देख के वहीं डालेंगे। तो मैं कह रहा था यार बंदे की अपनी सोचे भाई, जिसको जो सोचना है सोचे। हम लोग तो यार ये चीज़ फैलाना चाहते हैं, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी सोच के मुताबिक चले। यहाँ पे भी नज़र तो आ रही है, घर का नहीं है, इसी जगह पे होना चाहिए यार। पीछे पीछे से हम लोग जा रहे हैं झाड़ियों के सामने, देखते हैं। हाँ ये है ना घर है ना इनका, ये देख रहे भाई खड्डा है ना ये इनका घर। एक वहाँ भी है। हाँ एक ये रहा, चारों तरफ फैला देता हूँ तो चलो जी थैली हो गई हमारी खाली। जाओ जाओ भाइयों को बुला के ले, भाइयों को अपने रिश्तेदारों को बुला देना। ये देख रहे हो भाई ये इनका घर है, और एक ही रहा, एक ही रहा। ये है भाई चूल चूल, पता नहीं निकल रहे क्यों नहीं यार। ये देख लो लेके जा रहे हैं। हाँ ये देखो आएं देखे ये लेके जा रहे हैं, देख रहे हो। चलो चलो भाइयों लेके जाओ, काम में लग जाओ। अंदर गिरा रहा देख रहे मूसा, वो दूसरे भी आ रहे हैं, लड़े हुए हैं। अरे भाइयों एक ही बना के चलो, पत्थर को लेके जा रहा है। अरे यार कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है हम लोगों को यार, मजा आता है यार ऐसे काम में। ये तो आपस में लड़ रहे हैं। भाई छोड़ो आपस में रिश्तेदार होके लड़ रहे हो। और ये भाई झाड़ियाँ, और ये जो घास है ना बकरियाँ शौक से खाती हैं, ये वाला घास। हाँ ऊँट है, ऊँट हमारे पास ऊँट भी है। असल में शायद मैंने कभी जिक्र नहीं किया होगा, हमारे पास ऊँट भी है, और ऊँट भी ये वाला घास ना बहुत खाते हैं। हमारे ऊँट यहाँ नहीं है गांव में, हम लोग के पास अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ भी हैं, मेरे पास तो मुर्गियाँ भी हैं और ऊँट भी हैं। मूसा वालों के पास बकरियाँ हैं और ऊँट हैं, मुर्गियाँ बता नहीं। मुर्गियाँ नहीं है हमारे पास, नहीं हमारे पास तो मेरा भाई छोटा है ना वो शौकीन है, तो वो ये इन चीज़ों को संभालता रहता है। दो भाई हैं छोटे, एक बकरियों को संभालता है और एक मुर्गियों को, अपने अपने शौक। भाई हम जो बड़े हैं हम काम काज देखते हैं। चलो मूसा चलें, चलते हैं। तो भाइयों कैसी लगी हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। लाइक सब्सक्राइब बेशक नहीं करना, लेकिन शेयर किया करें, ये नेकी का काम शेयर किया करें बस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप सोचते हैं वो सोचें। हमारा काम था आप तक मैसेज पहुँचाना, हमने पहुँचाया, और हमारी दिली तमन्ना भी थी तो हमने पूरी की। बाकी अल्लाह पाक हमारा ये सवाब अपने बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे हम लोग, इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो। बाकी मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक हम दोनों भाइयों को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।